हे गाइस, वेलकम बैक टॉक्स गेमिंग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप पहले की तरह बढ़िया ही हो गए। तो गाइस, आज हम खेलने जा रहे हैं दोबार से कार फॉर सेल सिमुलेटर। तो गाइस, आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा ही होगा, मैंने बुगाटी को अनलॉक कर लिया था। तो गाइस, वैसे तो मेरे पास अभी मेरी पर्सनल कार 5 कार हो चुकी है और गाइस अभी मेरे पास पैसा भी काफ़ी ज़्यादा है। तो गाइस, अभी इस गेम के अंदर मैंने एक अपना हाउस भी बाय कर लिया और मेरे पास एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग्जरी शोरूम भी है। और गाइस, मेरे पास अभी मेरी पर्सनल 5 कार है और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है। तो गाइस, इस गेम के अंदर मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कर दिया, बस थोड़ा बहुत काम और रह गया है, अभी मैं वो भी कर दूंगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो गाइस, अभी मैं पहुंच चुका हूँ अपने शोरूम के पास में। एंड गाइस, अभी देख ही सकते हो मेरे पास 5 कार हो चुकी है और भाई अपनी एक बुगाटी भी काफ़ी ज़्यादा महंगी और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक कार अभी इस टाइम पे। तो गाइस, पहले तो मैं अपने शोरूम की थोड़ी बहुत साफ सफाई कर देता हूँ। यहाँ पर भाई काफ़ी ज़्यादा भी कूड़ा कचरा, ये बोतल वगैरह पड़ी है भाई ड्रिंक की, तो अभी मैं और भी कई 2 बोतल है यहाँ पर, इसको मैं फेंक देता हूँ पहले तो उठा के। एंड अभी इसको भी इसमें डाल देता हूँ, बहुत बढ़िया। एंड एक हो रहा है तो एक इसको भी मैं डाल देता हूँ डस्टबिन के अंदर। तो गाइस, ऑलमोस्ट अभी हमारी शोरूम की सारी सफाई हो चुकी है। पहले मैं शोरूम को ओपन कर देता हूँ और गाइस अभी मैं इधर से भी शोरूम को ओपन कर देता हूँ। एंड अभी एक और डोर है, इसको भी मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ। तो गाइस, अभी मैं चलता हूँ अपने टेप पे। तो गाइस, अभी मैं चलता हूँ वेब पेज पे और वेब पेज करता हूँ ओपन। और गाइस, अभी मैं अपनी सारी कार को सेल पे लगा देता हूँ, यहाँ पर इनके प्राइस वगैरह डाल देता हूँ। तो मैं इसको लाया था 55,000 की, तो यहाँ पर मैं 18,000 डाल देता हूँ अभी। अभी 18,000 में भाई सही रेट रहेगा, तो कोई ना गाइस, अभी मैं यहाँ पर 18,000 डाल देता हूँ, बहुत बढ़िया। ऑलमोस्ट गाइस, अभी मैंने यहाँ पर अपनी सारी कार्स के यहाँ पर रेट डाल दिया और उनको सेल पे लगा दिया है। तो अभी हम बैक चलते हैं। एंड गाइस, अभी भाई कस्टमर भी आ गए यार, रेट डालते डालते भाई यहाँ पर कस्टमर भी आ गए। वैसे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था एक एक कार को मतलब ऐसे सेल करने में। तो यहाँ पर अभी मैं सर से पूछ लेता हूँ कितने देना चाहते हैं भाई सुपरा के। तो यहाँ पर ये सर दे रहे हैं भाई 68,000, तो यहाँ पर सही प्राइस है। वैसे थोड़ा बहुत यहाँ पर मैं बार्गेनिंग वगैरह कर लेता हूँ। एंड अभी मैं इधर डाल देता हूँ 16,000। अबे चला गया यार वो कस्टमर मेरा भाई, इसको मैंने कुछ ज़्यादा ही वेट करा दिया क्या? मेरे को कोई आइडिया नहीं है, मैंने इसको ज़्यादा वेट करा दिया। बट कोई ना, अभी एक और कस्टमर से पूछता हूँ, ये भी भाई 16,800 डाल रहा है। तो अभी मैं यहाँ पर 75,000 बोल दूँगा, 75,000 मैंने यहाँ पर डाल दिया है अभी। आई थिंक ये 75,000 में बिक जाएगी। बिक गई क्या? ओ भाई साहब, ओ बिक गई भाई, मेरे को लगा नहीं था ये 75,000 में बिक जाएगी। तो कोई ना, ओ गाइस, अपने शोरूम के अपने अंदर कितनी ज़्यादा भाई भीड़ हो रही है। तो अभी मैं यहाँ पर भी ट्राई करता हूँ इस कार को बेचने का। तो मैडम, मैंने तो इस पर वैसे 2 लाख डाल दिया अभी भाई, इतने में तो नहीं बेचूँगा मैं भाई। 91,000 की तो मैं लेके आया था भाई, इतने की मैं बेच ही नहीं सकता यार। तो हेलो मैडम, क्या आप मेरी सुपरा को लेना चाहती हो? प्लीज़ बाय कर लेना 1 लाख रुपीज़ में। तो भाई यहाँ पर 91 अभी मैडम ने बोला, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ अभी 95,000 डाल देता हूँ। आई थिंक ये 95,000 सही रहेगा। तो यहाँ पर मैंने 95,000 डाल दिया और ये बिक गई क्या? ओ गाइस, ये भी बिक गई अपनी, एक और सुपरा बिक चुकी है। एंड गाइस, यहाँ पर एक कस्टमर और अभी मैं पूछ के देखता हूँ। सो गाइस, अभी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है वैसे तो अपने शोरूम के अंदर भाई, फरारी के काफ़ी ज़्यादा कस्टमर आ रखे हैं। देखो गाइस, फरारी भाई काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कार है, काफ़ी ज़्यादा महंगी कार है। तो हेलो सर, क्या आप इस कार को बाय करना चाहेंगे 2 लाख रुपीज़ में? ओ 83,000, हट पागल है क्या? अरे मैं 1 लाख की तो इसको लेके आया हूँ। हेलो मैडम, आप डॉज चार्जर को कितने में बाय करना चाहती है? तो यहाँ पर मैंने 15,000 डाल दिया, अभी मैडम ने बोला है 29,000। अबे नहीं, इतने में तो नहीं बेचूंगा, मैंने भगा दिया भाई। अभी यहाँ पर और कस्टमर है, इनसे मैं पूछ के देखता हूँ पहले। सो हेलो मैडम, आप कितने में लेना चाहते? 29,000 भाई, ये क्या हो रहा है? मैं इसको इतने में तो लेके आया हूँ भाई, इतने में कैसे बेच दूँ? तो अभी एक और कस्टमर, अभी यहाँ पर मैं पूछ के देखता हूँ। ये मैडम, ओ यहाँ पर 31,000 तो है, थोड़ा बहुत अभी मैं बार्गेनिंग वगैरह कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 36,000, अभी मैं डाल दिया, बहुत बढ़िया। तो अभी ये बिक जाए 36,000 में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। और गाइस, ये भी बिक गई अपनी डॉज चार्जर भी यहाँ पर बिक चुकी है। एंड गाइस, अभी एक और कस्टमर है मेरी एक नेक्स्ट कार के लिए। तो अभी हम मैडम से भी मैं पूछता हूँ, यहाँ पर मैंने 2 लाख डाल दिया है अभी। तो इस कार को अभी नहीं, इतने में नहीं बेचूंगा मैं, 1 लाख की इसको लेके आया हूँ। वो भाई क्या हो रहा है कस्टमर को? भाई मैं जितने में कार लेके आया हूँ उतने की ये ले रहे हैं। तो गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ फरारी की तरफ, फरारी के पास में काफ़ी ज़्यादा कस्टमर थे। तो यहाँ पर सर, अभी मैंने इसको 5 लाख डाल दिया, वही ये 4,46,000 में अभी ये बाय करना चाहता है। तो अभी मैं इससे अभी एक और कस्टमर, उससे मैं पूछ कर देखता हूँ पहले। तो अभी इसको थोड़ा बहुत मैं और वेट करने देता हूँ। तो अभी ये मैडम से मैं पूछ के देखता हूँ ये कितने में बाय करना चाहती है। आई थिंक ये 5 लाख के बिक जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो हेलो मैडम, ओ भाई वो भी कस्टमर भाग गया। अबे नहीं यार, इसको भी मैंने भगा दिया, ये 2 लाख कुछ रुपीज़ की मतलब लेना चाहती थी। तो कोई ना, अभी मैंने अभी मस्टैंग के पास भी काफ़ी ज़्यादा कस्टमर है, यहाँ पर भी मैं ट्राई कर लेता हूँ अभी। तो गाइस, मस्टैंग को मैंने डाल दिया 15,000 में, अभी ये
भाई इसको तो मैं बेच देता हूँ 49,000 में। अभी मैंने इसको सेल कर दिया भाई मस्टैंग को। आई थिंक अभी यहाँ पर 3 कार रह चुकी हैं, तो अभी एक और कस्टमर इनसे भी मैं पूछ कर देख लेता हूँ। पहले तो हेलो सर, आप फरारी को कितने में बाय करना चाहते हो? वैसे मैंने यहाँ पर 15 लाख डाल दिया। अबे भाई 3 लाख में तो मैं नहीं बेचूँगा यार इसको। तो हेलो सर, आप पोशे को कितने में बाय करना चाहते हो? तो यहाँ पर मैंने पोशे को 5 लाख डाल दिया। अभी भाई 2,27,000 में मैं नहीं बेचने वाला हूँ इसको। इसको कम से कम 3 या 4 लाख में मैं बेचने वाला हूँ। एक और चाह रहा भाई, सेम टू सेम जुड़वा भाई हैं ये। अभी इनसे भी मैं पूछ के देखता हूँ भाई। 2,49,000 में इसको मैं बेच दूँ क्या? अभी नहीं, इसको भी मैंने भगा दिया वैसे तो। कोई ना, अभी हम वेट कर लेते थोड़ा बहुत, और कस्टमर आ जाएंगे। इस कार को यार मैं बेच दूँ यार। तो अभी एक और कस्टमर, हेलो सर, आप इसको कितने में बाय करना चाहते हो? मैंने 2 लाख डाल दिया है। अभी 1 लाख में तो यार नहीं बेचूंगा, मैंने इसको भी भगा दिया। तो कोई ना भाई, अभी कस्टमर कह रहे होंगे इस शोरूम के मालिक को भाई काफ़ी ज़्यादा अकड़ आ चुकी है भाई। अभी हम काफ़ी ज़्यादा अमीर हो चुके हैं ना वैसे तो। हेलो मैडम, वेलकम टू टॉक्स मोटर शॉप। तो मैडम आप इस कार को कितने में बाय करना चाहते हो? 4,48,000 में। अभी भाई ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑफर है। अभी यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 4,17,000। तो अभी यहाँ पर मैंने डाल दिया। आई थिंक ये इतने की बिक जाए भाई, मज़ा ही आ जाएगा। अभी ये बिक जाएगी क्या? अभी मेरे को लग रही है ओ बिक गई क्या? अभी मैं ऑफ़र करता हूँ दोबारा से। बिक गया प्लीज़। ओ भाई बिक गई, बहुत बढ़िया। अभी ये बिक चुकी है यहाँ पर। तो गाइस अभी यहाँ पर 2 कार बची हैं और काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है। तो गाइस अभी मैं अपने शोरूम को बंद कर देता हूँ पहले तो, एंड इधर से भी मैं बंद कर देता हूँ, एंड अभी इधर से भी बंद कर देता हूँ। तो बहुत बढ़िया, अभी मैंने अपने शोरूम को बंद कर दिया। एंड गाइस अभी हम चलते हैं सोने अपनी मस्टैंग को लेके। भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया मैंने मस्टैंग को चलाया नहीं है। तो भाई मस्टैंग काफ़ी ज़्यादा खतरनाक कार है। ये मैंने ग्रीन करा रखी है ना, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है मुझे। अभी इसको भी मैंने वैसे पूरा मॉडिफाई करा दिया है। तो गाइस अभी हम फुल स्पीड में भगाते भगाते चलते हैं अपने प्यारे हाउस में नेबरहुड के अंदर। तो गाइस ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ भाग रही भाई अभी तो। तो कोई ना, ओ ड्रिफ्ट लग गई काफ़ी ज़्यादा तगड़ी। ओ भाई साहब, ओ नो, अबे फंस गई यार इसमें। अभी मैं क्या करूं यार, अभी मैं भाई इसकी फुल स्पीड दे रहा हूं भाई, ये निकल ही रही है पूरी तरीके से, यहां पर फंस चुकी है। अभी मैं नाइट्रो वगैरह सब लगा दिया भाई, इसका पूरा दम मैंने यहां पर लगा दिया। ये काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से अभी फंस चुकी है। तो गाइस अभी मैं इसको टो करा के अपने शोरूम पर भेज देता हूँ। यहाँ पर भाई निकलेगी नहीं, मुझे पता ये नहीं निकलने वाली। तो अभी मैंने इसको टो करा के शोरूम पर भेज दिया। एंड गाइस अभी मैं भाई अपने प्यारे से घर में जाने वाला था नेबरहुड के अंदर, बट गाइस अभी मुझे छोटे से कंटेनर वाले घर में ही सोना पड़ेगा। तो कोई ना, ये भी हमारा ही घर है। अभी आज की रात हम इसी में काट लेते हैं, इसी में सो जाते हैं, कोई ना। तो गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूँ। एंड गाइस अभी मैं सो जाता हूँ, तो गुड नाइट गाइस। अभी रात हो चुकी है। एंड गाइस मुझे 7,25,000 का यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है मेरे लिए। तो कोई ना, एंड गाइस अभी सुबह हो चुकी है। तो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी पूरी तरीके से सुबह हो चुकी है। तो गाइस अभी मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा। एंड अभी मेरे सामने बस स्टैंड है। तो अभी हम चलते हैं भाई बस पकड़ के सीधा अपने शोरूम पे। तो ये आ गया मैं। एंड गाइस अभी हम चलते हैं शोरूम पे, इधर मैं क्लिक करता हूँ, बहुत बढ़िया। तो गाइस अभी मैं शोरूम पे पहुँच चुका हूँ भाई। अपनी मस्टैंग मैंने अपने शोरूम पे टो करा के यहाँ पर भेज दी थी। तो कोई ना, अभी हमारी मस्टैंग इधर साइड में खड़ी। और इसका इंजन अभी भी चालू है क्या? आई थिंक इसका इंजन अभी भी चालू है। थोड़ी बहुत तो डैमेज होगी भाई, 1% डैमेज हुई, ज़्यादा नहीं। तो मैं इसका इंजन ऑफ कर देता हूँ, बहुत बढ़िया। अभी मैंने इंजन ऑफ कर दिया इसका। एंड गाइस पहले मैं अपने शोरूम को यहाँ से ओपन कर देता हूँ भाई। अभी हमारी 3 कार और बची है अपने शोरूम के अंदर, उनको भी मुझे बेचना है। 2 कार बची हैं, 3 नहीं। तो इधर से भी मैंने ओपन कर दिया, बहुत बढ़िया। तो गाइस अभी मैं वेट करता हूँ कस्टमर के आने का थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर भाई कस्टमर, ओ आ रहा है एक कस्टमर। तो कोई ना, अभी यहाँ पर मैं कस्टमर आ चुके। एंड गाइस अभी मैं इसको यहाँ से सेल कर देता हूँ। तो हेलो सर, आप इस कार को यार प्लीज़ 2 लाख में बाय कर लो। ओ गाइस यहाँ पर 1,15,000 आया, 50,000 आया है अभी। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 1,13,000। अभी मैं डाल दिया, आई थिंक इतने में बिक जाएगी क्या? ओ बिक गई गाइस, बहुत बढ़िया। अभी हमारी एक कार बिक चुकी भाई, काफ़ी ज़्यादा पनौती थी मेरे लिए, तो ये बिक ही नहीं रही थी। बट कोई ना, अभी हम आ चुके हैं सुपर पोशे की तरफ। तो पोशे बिक जाएगी क्या? पोशे को मैंने 5 लाख में डाला है। अभी यहाँ पर ये 2,15,000 में बिक जाए तो भी बहुत अच्छा रहेगा भाई। इसको तो मैंने भगा दिया, काफ़ी ज़्यादा कम दे रहा था। तो हेलो मैडम, आप मेरी कार को क्या 5 लाख में बाय करना चाहते हैं? प्लीज़ इसको बाय कर लेना। अबे नहीं यार, अभी मैंने इसको भी भगा दिया। हेलो मैडम, वेलकम टू द टॉक्स मोटर शॉप। क्या इसको आप 5 लाख में बाय करना चाहेंगे? होगा ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑफर है, 2,14,000। तो अभी मैं यहाँ पर 2,17,000 डाल देता हूँ। आई थिंक ये बिक जाएगी, 2,17,000 में बिक जाए यार। प्लीज़ 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 बिक गए। होगा ये भी बिक गई हमारी, फाइनली हमारी सारी कार यहाँ पर बिक चुकी हैं अभी। और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पैसा हो चुका है। तो गाइज हम कर देते हैं पहले तो अपने शोरूम को यहाँ से बंद कर देते हैं। एंड गाइज अभी मैं इधर से भी इसको क्लोज कर देता हूँ।
तो बहुत बढ़िया। अभी मैंने इधर से भी इसको क्लोज कर दिया, अपने शोरूम को पूरी तरीके से बंद कर दिया। एंड गाइज अभी हम चलते हैं अपनी मस्टैंग को लेकर, आज कार मार्केट प्लेस ओपन है। तो गाइज मैं कार मार्केट प्लेस से कोई सुपर कार अभी बाय करने वाला हूँ, काफ़ी ज़्यादा महंगी महंगी। वैसे तो अभी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है। तो गाइज अभी हम चलते हैं फुल स्पीड में, भगाते हैं अपनी मस्टैंग को कार मार्केट प्लेस। तो गाइज अभी मैं अपनी कार को भगाते भगाते पहुँच चुका हूँ कार मार्केट प्लेस के पास में। एंड गाइज अभी मैं यहाँ पर देखता हूँ भाई अभी कौन कौन सी कार आई हुई है और मैं किस किस कार को यहाँ पर बाय कर सकता हूँ। तो भाई यहाँ पर एक ओडी आर आ रहा है, अभी मैं इसको भी बाय कर सकता हूँ, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है। एंड गाइज एक सामने की साइड में एक लैम्बोर्गिनी भी मुझे नज़र आई है, तो मैं पहले ओडी आर आर को यहाँ पर मैं बाय कर देता हूँ कितने में है। तो अभी मैं सर से पूछ के देखता हूँ। हेलो सर, गाइज ये कार मुझे मिल रही है 485,000 में। तो गाइज यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 14,000 डाल देता हूँ अभी, आई थिंक इतने में मुझे मिल जाए यार, प्लीज़ ये मुझे मिल जाएगी क्या। तो अभी मैंने यहाँ पर तो प्राइस को डाल दिया। ओ गाइज इसको मैंने बाय कर लिया, मैं अभी इसको टो करा के अपने शोरूम पे भेज देता हूँ। तो बहुत बढ़िया, अभी मैंने इसको टो करा के अपने शोरूम पे भेज दिया। एंड गाइज अभी हम बाय करने वाले एक लैम्बोर्गिनी, ये अपने बजट के अंदर हो तो मैं इसको बाय कर लूँगा अभी। तो हेलो मैडम, अपनी लैम्बोर्गिनी को कितने में सेल करना चाहती हैं? तो यहाँ पर 5,72,000 है। तो गाइज अभी यहाँ पर मैं बार्गिंग करके यहाँ पर डाल देता हूँ, सीधा 5,00,000 डाल देता हूँ अभी, ये प्लीज़ यार मुझे मिल जाए और इसको मैं काफ़ी ज़्यादा महंगे प्राइस में बेच दूँगा। ओ गाइज ये मिल गई मुझे, मेरे को यकीन नहीं हो रहा भाई ये मुझे मिल चुकी है। एंड गाइज अभी ये कितनी ज़्यादा डैमेज वगैरह अभी मैं इसको देख लेता हूँ। तो गाइज ये अभी थोड़ी 11% डैमेज्ड है, तो कोई ना अभी मैं इसको अपने शोरूम पर टो करा के भेज देता हूँ। एंड गाइज यहाँ से एक और कार मैं बाय कर लेता हूँ, अभी कौन सी करूँ, यहाँ पर एक सुपरा है, सुपरा को भी मैं बाय कर लेता हूँ भाई, सुपरा काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्राइस में बिक जाती है। तो हेलो सर प्लीज़ आप मुझे अपनी सुपरा दे दो काफ़ी ज़्यादा सस्ते रेट में। भाई मैं मजाक कर रहा था, आप कितने में बेचना चाहते हो? आप 17,000 सर ने डाला था, तो अभी मैं डालता हूँ 59,000 यहाँ पर डाल देता हूँ अभी मैं। तो यहाँ पर मैंने 59,000 डाल दिया अभी। ओ गाइस ये मिल गई मुझे, तो बहुत बढ़िया, अभी मैं इसको भी टो करा के भेज देता हूँ अपने शोरूम पे। आई थिंक अभी मैंने इसको भी टो करा के अपने शोरूम पे भेज दिया। तो गाइस अभी हम चलते हैं अपने शोरूम पे। तो गाइस अभी मैं अपनी तीनों कार को शोरूम के अंदर पार्क कर देता हूँ। तो बहुत बढ़िया, अभी मैंने तीनों कार को बाय कर लिया और गाइस इन कार को मैं काफ़ी ज़्यादा महंगे रेट में बेचने वाला हूँ अभी। तो गाइस अभी हम अपने मस्टैंग को भागते चलते अपने शोरूम के पास में। भाई अभी मेरे पास दो लग्जरीज कार हो चुकी है। तो भाई अपने मैं मस्टैंग को भागते शोरूम के पास में पहुंच चुका हूं। एंड गाइस अभी मैं इन कार को अपने शोरूम के अंदर पार्क कर देता हूं। तो बहुत बढ़िया, पहले तो मैं सुपरा को अपने शोरूम के अंदर पार्क कर देता हूं। तो अभी मैं पहले तो इसका डोर ओपन कर देता हूं, मैं यहां से इसका डोर ओपन कर दिया, बहुत बढ़िया। एंड गाइस अभी मैं अभी हम कर देते हैं अपने सुपरा को अंदर पार्क। तो गाइस अभी मैं सुपरा को अंदर यहां पर पार्क कर दिया। एंड गाइस अभी हम लैम्बोर्गिनी को भी अंदर पार्क कर देते हैं। पहले मैं ओडी आर आर को भाई रिपेयर शॉप पर भेज देता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज थी तो मैंने अपनी इसको रिपेयर शॉप पर भेज दिया। एंड गाइस अभी मैं अपनी लैम्बोर्गिनी को भी अपने शोरूम के अंदर पार्क कर देता हूँ। भाई ये कार काफ़ी ज़्यादा महंगी बिकने वाली है, तो कोई ना, अभी मैंने इसको भी यहाँ पर पार्क कर दिया। एंड गाइस अभी हम चलते हैं रिपेयर शॉप पे, भाई अपनी ओडी आर आर को मैं थोड़ा बहुत अभी यहाँ पर रिपेयर वगैरह करा लेता हूँ। और भाई अपनी मस्टैंग 1% डैमेज, इसको क्या ही रिपेयर कराना, तो कोई ना भाई अपनी ओडी आर आर को ही मैं सिर्फ रिपेयर कराने वाला हूँ। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ भाई रिपेयर शॉप पे। एंड गाइस और ये हमारी ओडी आर आर, भाई ये काफ़ी ज़्यादा महंगी कार है, वैसे अभी आज मुझे काफ़ी ज़्यादा सही रेट में मिल गई, वैसे ये 6,00,000 के आसपास बिकती है। तो कोई ना अभी मैं इसको रिपेयर करा देता हूँ, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा भाई, ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज थी, ये 50% डैमेज थी। कोई ना, अभी मैं इसको रिपेयर करा लिया हूँ, बहुत बढ़िया, अभी ये रिपेयर हो चुकी है। एंड गाइस इसको भी मैं अपने शोरूम पे टो करा के भेज देता हूँ, तो बहुत बढ़िया। तो गाइस अभी हम चलते हैं दोबारा से अपने शोरूम पे, अभी मैं अपनी ओडी आर आर को भी अपने शोरूम के अंदर पार्क कर दूंगा। अभी मैं इस गेम का काफ़ी ज़्यादा अमीर बंदा बन चुका हूँ, मेरे पास भाई 5-5 सुपर कार है, मेरी पर्सनल खुद की कार है, मेरे पास एक मेरे रहने के लिए एक छोटा सा घर है और भाई इतना बड़ा शोरूम है और शोरूम के अंदर काफ़ी ज़्यादा लग्जरी से लग्जरी मैं कार बेचता हूँ। तो कोई ना कहीं अभी मैं अपने शोरूम के पास में पहुँच गया। एंड अभी इसको भी मैं अपने शोरूम के अंदर पार्क कर दूँगा और अपनी नेक्स्ट वीडियो में इन तीनों कार को मैं काफ़ी ज़्यादा महंगे प्राइस में बेचने वाला हूँ। तो भाई यही था आज की हमारी गेम प्ले वीडियो के अंदर, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार एक लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जो भी डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। और हाँ गाइस, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने हाउस को भी अपग्रेड करने वाला हूँ और अपने छोटे से कंटेनर वाले घर को भी अपग्रेड करने वाला हूँ। और गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा गुड बाय एंड लेट्स गो।